लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राह में चलने वाले वाहन चालकों और यात्रियों से हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। आशा उषा कार्यकर्ता अंजनी सिंह ने बताया कि वो पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनके मुख्य मांगे हैं कि उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का वेतन दिया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी का भी दर्जा मिले। धरने के 7वें दिन सभी आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने से गुजरने वाले वाहन चालकों और यात्रियों से हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी। और साथ ही कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो सभी प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। कटनी जिला में जो हमारी हड़ताल जारी है वह 14 तारीख से जारी है और आज हड़ताल का 7वां दिन है। आज तक किसी अधिकारी के द्वारा हमारी कोई खबर नहीं ली गई, न कोई सुनवाई है। हमारी मांगे हैं कि हम आशा कार्यकर्ताओं का 10,000 रुपये मानदेय फिक्स किया जाए और समय निर्धारित किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आज हम काला दिवस के रूप में मनाए हैं, कटोरी चम्मच लेके भीख मांगे हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगामी समय में हम जाकर के प्रदेश लेवल पे हड़ताल करेंगे। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।